ये रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट है, सिफारिश एक बॉडी करती है, उसको फाइनल अप्रूवल सरकार ने, सरकार के कानून अनुसार जो भी कदम हो, हमने तो ना पीछे हटे तक एक्शन आज तक लिया है। पर केवल मात्र ये कहना ये गलत है या ये एक ही की गलती है, इसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन थी। जहाँ बात आई थी कि पासिस इश्यू करने, एसीबी ने भी सिफारिश करी और हमने ऑलरेडी उसके विरुद्ध एक्शन इनिशिएट किया हुआ। जहाँ बात आई थी वेंट्स बंद कराने की, रिटर्न परमिशन देने, जब हमारे पास उसकी रिपोर्ट आई थी तो मुझे लगता है वो ऑब्जेक्शनल बात थी और मैंने मेरे ऑब्जेक्शन ये रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट है, सिफारिश एक बॉडी करती है, उसको फाइनल अप्रूवल सरकार ने, सरकार के कानून अनुसार जो भी कदम हो, हमने तो ना पीछे हटे तक एक्शन आज तक लिया है। पर केवल मात्र ये कहना ये गलत है या ये एक ही की गलती है, इसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन थी। जहाँ बात आई थी कि पासिस इश्यू करने, एसीबी ने भी सिफारिश करी और हमने ऑलरेडी उसके विरुद्ध एक्शन इनिशिएट किया हुआ। जहाँ बात आई थी वेंट्स बंद कराने की, रिटर्न परमिशन देने, जब हमारे पास उसकी रिपोर्ट आई थी तो मुझे लगता है वो ऑब्जेक्शनल बात थी और मैंने मेरे ऑब्जेक्शन ये रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट है, सिफारिश एक बॉडी करती है, उसको फाइनल अप्रूवल सरकार ने, सरकार के कानून अनुसार जो भी कदम हो, हमने तो ना पीछे हटे तक एक्शन आज तक लिया है। पर केवल मात्र ये कहना ये गलत है या ये एक ही की गलती है, इसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन थी। जहाँ बात आई थी कि पासिस इश्यू करने, एसीबी ने भी सिफारिश करी और हमने ऑलरेडी उसके विरुद्ध एक्शन इनिशिएट किया हुआ। जहाँ बात आई थी वेंट्स बंद कराने की, रिटर्न परमिशन देने, जब हमारे पास उसकी रिपोर्ट आई थी तो मुझे लगता है वो ऑब्जेक्शनल बात थी और मैंने मेरे ऑब्जेक्शन